नमस्कार, आप देख रहे हैं ENN भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मई का महीना चल रहा है और राजस्थान में गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। वैसे राजस्थान की सियासत का पारा भी कुछ कम नहीं है। आसमान छू रहे इस सियासी पारे ने नेताओं की नींद उड़ा रखी है। चुनाव पास आ गए हैं तो राजस्थान में दल बदलू राजनीति के रुझान भी सामने आने लगे हैं। हाल ही में सुभाष महरिया ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली और अब आने वाले दिनों में ना जाने कितनी ही ऐसी खबरें आपको सुनने मिलने वाली हैं, क्योंकि चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति अब आम बात हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे के नेताओं पर सेंध लगाने की जद्दोजहद में है। ऐसे में सियासत के इसी खेल को आसानी से समझने के लिए हमारी टीम ENN भारत ने राजस्थान की पूरी 200 विधानसभाओं के प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण में हमने प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक गांव के 10 से 12 लोगों से बात करके ये जानने का प्रयास किया है कि आज की परिस्थिति में जनता किस पार्टी को अधिक समर्थन कर रही है। सर्वेक्षण की इसी कड़ी में आज की हमारी विधानसभा है भरतपुर जिले की वैर विधानसभा। वैर विधानसभा में अप्रैल की परिस्थिति में देखें तो कांग्रेस को 34.96% और बीजेपी को 43.2% जनता का समर्थन प्राप्त है। यानी कि इस सीट पर वर्तमान कांग्रेस विधायक भजन लाल जाटव भारतीय जनता पार्टी से पीछे चल रहे हैं। जनता के इसी समर्थन को अगर गांवों की संख्या के आधार पर देखें तो वैर विधानसभा में सेफ यानी कि A+ ग्रेड में बीजेपी के 3, कांग्रेस के 0 और अन्य के 10 गांव हैं। विनिंग यानी कि ए ग्रेड में बीजेपी की तरह पर कांग्रेस के 23 और अन्य के 2 गांव हैं। अब उन गांवों की बात करते हैं जिनमें पार्टियों के बीच फाइट है, यानी कि बी ग्रेड के गाँव। यहाँ पर बीजेपी को 66, कांग्रेस को 66 और अन्य को 0 गांव मिले हैं। लूजिंग यानी कि सी ग्रेड में बीजेपी के 24, कांग्रेस के 55 और अन्य के 46 गांव हैं। डी ग्रेड यानी कि डेंजरस जोन में बीजेपी के 12, कांग्रेस के 14 और अन्य के 100 गांव हैं। अब आपको बताते हैं उन उम्मीदवारों के नाम जो इस बार के विधानसभा चुनावों में यहाँ से टिकट की मांग कर रहे हैं। वैर से इस बार भारतीय जनता पार्टी से रामस्वरूप कोहली, महेंद्र सिंह जाटव, बहादुर कोहली, रंजिता कोहली, सुमन कोहली का नाम सामने आ रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो इस बार यहां से वर्तमान विधायक भजन लाल जाटव का नाम आगामी उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहा है। इनके अलावा कांग्रेस से सुनील जाटव, ननुमल पहाड़िया भी टिकट की मांग कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के अलावा इस सीट पर बसपा से अतर सिंह जाटव, बंटी जाटव और आम आदमी पार्टी से चरणदास जाटव चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। मई में एक बार फिर हमारी टीम ENN भारत पूरे राजस्थान का सर्वेक्षण कर रही है, जिसके सवाल आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला सवाल है, आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है? आपका अगला विधायक कौन होना चाहिए? आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है? अगर मुख्यमंत्री आपकी पसंद का बनने की उम्मीद नहीं हो तो क्या आप अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट देंगे? अगर विधायक उम्मीदवार आपकी पसंद का ना हो तब भी क्या आप अपनी ही पसंदीदा पार्टी को वोट देंगे? इन सब की रिपोर्ट मई के अंत तक हम आपको दिखाएंगे। अगर आप भी हमारे सर्वेक्षण का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने जवाब हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9929990712 पर लिखकर भेज सकते हैं। आप इन सवालों के जवाब के साथ साथ अपने गांव या विधानसभा की कोई भी जानकारी या समस्या हमें भेज सकते हैं। हम अपने अगले वीडियो में उन्हें ज़रूर शामिल करेंगे। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि राजस्थान के विधानसभा की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।